गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप चैप्टर कर लगे चैप्टर नंबर 2। सर ना पहले साढ़े को डेफिनेशन हैगी है कनकेव अपवर्ड, कन्वैक्स डाउनवर्ड, जहाँ कन्वैक्स डाउनवर्ड ही कहते हैं। किस वे नाल मान लो साढ़े कोई करव है, आह वाली साढ़े को करव कोई मान लो सी करव है, ठीक है। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखो जो करव के सारे पॉइंट है, आह वाले सारे पॉइंट है, ये किस से लाई करेंगे, टेंजेंट से लाई करेंगे। कर्व के सारे पॉइंट किससे लाई करेंगे, टेंजेंट से लाई करेंगे। दैन दिस इज कर्व इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। जे कर्व के सारे पॉइंट टेंजेंट से लाई कर, दैन दिस कर्व इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। देखो की डेफिनेशन, ए पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ पी। पोर्शन मतलब जे पी दे इधरे वाला पोर्शन भी इधरे वाला पोर्शन दोनों के बोथ साइड पी। हाउएवर स्मॉल इट वी इट मे बी, कितना मर्जी स्मॉल हो, चाहे देखो इधर लार्ज है इधर की स्मॉल है, इट मे बी लाइज अबव द टेंजेंट एट पी। मतलब इस टेंजेंट से की करते सारे पॉइंट की करते लाई करते। इन दिस केस वी सी दैट द कर्व इज कनकेव अपवर्ड। तो इस कर्व नूं आपां कहांगे कनकेव अपवर्ड, ज्यादा ओपोजिट नेम की है कनवैक्स डाउनवर्ड। उस तो बाद सैकेंड डेफिनेशन देखो, ये तो हो गया कनकेव अपवर्ड, इस कर्व नूं असीं कहिंदे कनकेव अपवर्ड। सैकेंड साढ़े को मान लो साढ़े को कर्व इस वे नाल है। हुण देखो जिहड़े इस दे वाले पॉइंट है इस की है टेंजेंट ते लाई करदे, ठीक है। जिहड़े ए वाले पॉइंट है जिवें साढ़े को ग्राफ इस वे नाल होवे, जिहड़े कर्व दे पॉइंट है वह सारे किस ते लाई करदे, ये भी सारे टेंजेंट ते लाई करदे, ठीक है। बट ये है कि किस वे नाल, ओपोजिट वे नाल, दैन इट इज कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड। बस तुसीं दो ही याद रखने, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है जी। देखो ए पोर्शन ऑफ द कर्व बोथ साइड पी, देखो सेम डेफिनेशन बनूंगी। हाउ एवर स्मॉल इट बी मे बी लाइज बिलो द टेंजेंट एट पी, ठीक है। इस टेंजेंट की करते हैं बिलो तो लाई करते। इन दिस केस वी से दैट द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। ठीक है जी, असी दो डेफिनेशन कीतियां, एक तो कनकेव अपवर्ड एक कनकेव डाउनवर्ड। जे तो कर्व के सारे पॉइंट टेंजेंट के बिलो तो लाई करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। जे टेंजेंट के सारे पॉइंट अबव ते लाई करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड। जे बिलो लाई कर दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। बस यही याद रखियो, देखो जेड़े आ कर्व सारे पॉइंट है किस से लाई कर रहे, टेंजेंट लाई कर बिलो लाई कर रहे ना, दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। ये देखो वो अपर लाई कर रहे हैं दैन इट इज कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड। एक अनदर डेफिनेशन भी है, इसे दी किसी होर वे नाल भी कह सकते हो। ए कर्व इज सैट टू बी कनकेव डाउनवर्ड और कनवैक्स अपवर्ड ऑन द इंटरवल इफ ऑल द पॉइंट ऑफ द कर्व लाई बिलो एनी टेंजेंट, ठीक है। जो बिलो लाई कर दे ऑन ऑन दैट इंटरवल, जी भी सू इंटरवल गिवन उसते जी उस हिसाब से जो उससे लाई करते हैं बिलो लाई करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड। इट इज़ सैट टू बी कनकेव अपवर्ड ऑन द इंटरवल इफ ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द अबव ऑफ द एनी टेंजेंट, ठीक है। जे अबव लाई कर दे दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव अपवर्ड, जे बिलो लाइन लाई कर दैन इट इज़ कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। याद रखियो, अच्छा ये मैथड की आप एग्जाम्पल किमें सॉल्व करनी है उसका अपने को मैथड यह है, तुम्हें की करना सैकेंड डेरिवेटिव डिफाइन कर लो, डी स्केव वाई पॉइंट डी एक्स के फाइन कर लो। जे तो थोड़े को पॉजिटिव आता है गिवन इंटरवल से, डी स्केव वाई पॉइंट डी एक्स के पॉजिटिव आता है, दैन द दैन द कर्व इज कॉल्ड, जैन ये भी कह सकते हो जिम्मे उसे कनवैक्स डाउनवर्ड पाने दैन की कह सकते हो कनकेव कनकेव अपवर्ड। ये मैं तुम तां लिखा रहे हैं क्योंकि साढ़े को की है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड थोड़ा याद करना सुख है। जे पॉजिटिव आ जाए दैन इट इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड, जे लैस दैन दैन इट इज कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। ऑपोजिट नेम की है कनकेव अपवर्ड का, ऑपोजिट नेम की है कनवैक्स डाउनवर्ड, इसका ऑपोजिट नेम की है कनवैक्स अपवर्ड, ठीक है जी। देखो जी फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द कर्व वाई इज इक्वल टू ई द पावर एक्स इज कनकेव अपवर्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर। असी की करना है फर्स्ट डिफाइन कर लो डी वाई पॉइंट डी एक्स किन्ना ई की पावर एक्स आ दू, सैकंड डिफाइन कर लो डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स के किन्ना ई की पावर एक्स आ। देखो हूँ देखो जो ई की पावर एक्स है, एक्स ही कोई मर्जी वैल्यू ले लो, रियल वैल्यू मतलब
नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, हमेशा की रहूगा पॉजिटिव ही रहूगा। देयरफॉर द गिवन कर्व इज कनकेव अपवर्ड, देयरफॉर द गिवन कर्व इज कनकेव अपवर्ड। सेकंड देखो, सेकंड ऐसे की करना, प्रूव दैट द कर्व y इज इक्वल टू log x इज एवरीवेयर कनकेव डाउनवर्ड फॉर x ग्रेटर देन 0। सानू डोमेन की गिवन है x ग्रेटर देन 0, तो ऐसे ही करेंगे ना। सेकंड पहला फर्स्ट रेट फाइंड करेंगे, dy / dx कितना आ जाएगा, देखो 1 / x आ जाएगा, डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स केयर कि माइनस वन बाय एक्स केयर। देखो जो एक्स केयर है इट इज ए पॉजिटिव क्वानिटी, ये तो नैगेटिव होंगे ही नहीं, चाहे नैगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो एक्स वैसे ही पॉजिटिव है तो यह वैल्यू की होगी नैगेटिव होगी। देयरफॉर द गिवन कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड और की कह सकते हो कन्वेक्स अपवर्ड फॉर ग्रेटर एक्स ग्रेटर दैन 0। उस तो बाद नैक्सट साढ़े को पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। देखो जो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन है फाइंड करने के कई वे ने, जिम्मे साढ़े को फायर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के इजकल 0 एंड आलसो द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एनी वेयर डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के डज नॉट एग्जिस्ट। देखो कई जगह तो असं किए फाइंड करा करेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन जो डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के 0 हो 0 इक्वल रख के फाइंड करा करेंगे, कई जगह तो असं किए फाइंड करेंगे जिथे साढ़े को डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे हैं, ये मैं तुम्हें करवाऊंगा किस वे नाल है, ठीक है। तो उस तो बाद फाइंड किमें करना है, थर्ड साढ़े को वे की है एट एक्स इज इकल टू ए विल बी द पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन हो सकता कदों हो सकता वैन डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के चेंज द साइन एट एक्स इज इकल टू ए, जो डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के साइन की हो जाए चेंज हो जाए एट एक्स इज इकल टू ए। थर्ड साइड को फार्मूला की डी वाई पॉइंट डी एक्स के क्यूब फाइंड कर लो, जे एग्जिस्ट करता है तो नॉन जीरो वैल्यू हो एट एक्स इज इकल टू ए, ठीक है। ये भी साढ़े को मैथड है, ये कई मैथड ने, मैं सोनू एग्जाम्पल्स ना करवाना ये वाली चीज़ा। जिमें एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, देखो ये सारा कुछ आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इकल टू एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 7 इज कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, आल्सो डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स 7 हो गया, डी वाई पॉइंट डी एक्स फाइंड कर लो, डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर अपना कितना आ गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 36 एक्स प्लस 24। हुण देखो आप साढ़े को दो कंडीशन जाते पॉजिटिव हो जाए साढ़े को क्यों गए नैगेटिव हो, पहला सीख लिया डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर साढ़े को गया पॉजिटिव है तो कितना हो गया, देयरफॉर इफ एंड ओनली इफ ए साइन इफ एंड ओनली वाला, देयरफॉर 12 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 24 इज ग्रेटर दैन 0 की कॉमन आ रहा है 12 कॉमन कर रहे हो तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एनू माइनस 2 इधर ले जाओ, परफेक्ट स्क्वायर से क्या बनाने जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना आएगा 3 इसका हाफ कर दो कि आ जाएगा 3 बाय 2 उसका स्क्वायर कर दो कि आ जाएगा 9 बाय 4 वो ऐड कर दो वही माइनस कर दो तो ऐड किया माइनस करके उधर क्यों गया पॉजिटिव तो कि आ गया एक्स माइनस 3 बाय 2 का स्केयर इज ग्रेटर दिस वन, ठीक है। मोड च लिख लो तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, देयरफॉर एक्स ग्रेटर दैन 2 और एक्स लैस दैन 2। एक्स ग्रेटर दैन 2 का मतलब जिम्मे साढ़े को मान लो ए वाई लाइन है पूरे 2 है, एक्स ग्रेटर दैन 2 दैट मीन इधर जो 2 2 इनफिनिटी हो गया, 1 लैस दैन वो साढ़े को 1 है, 1 लैस दैन दैट मीन माइनस इनफिनिटी टू 1 2 टू इनफिनिटी साढ़े को क्यों गए, इस कर साढ़े को क्यों गए कनकेव अपवर्ड क्योंकि साढ़े को डेफिनेशन की है डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर सीख लिया ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर इट इज कनकेव अपवर्ड। समझ आ गया कनकेव अपवर्ड आ गया, ठीक है जी। सेकंड देखो डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर लैस दैन 0 ले लो तो कितना जो इफ एंड ओनली सेम कंडीशन हो एक्स माइनस 3 बाय 2 मोड लैस दैन 1 बाय 2, ठीक है। सॉल्व कर लो कि आ जाएगा इंटरवल अपनी कि आ जाएगी 1 माइनस 1 लैस दैन एक्स लैस दैन 2 तो अपने को इंटरवल कि 1 बाय 2 आ गई, इंटरवल अपनी कि आ गई 1 टू 2 आ गई तो इस इंटरवल च की हो गया कनकेव डाउनवर्ड। समझ आ गया। नैक्सट साइड असं फाइंड करना पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन, वो असं गेम फाइंड करना डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के 0 पुट कर दो तो की आ जाओ एक्स के माइनस 3 एक्स प्लस 2 इजकल 0 तो इस केस अपने कि आ जाओ एक्स के अपने रूट कि आएंगे या आइदर एक्स इज इकल टू 1 और एक्स इज इकल टू 2। तो थर्ड डेट फाइंड कर लो वो कि आ जाएगा 24 एक्स माइनस 36 इस वैल्यू देखो जो एक्स में 1 पुट करोगे कि आंसर आऊगा माइनस 12
टू पुट करोगे कितना होगा 12, तो दोनों के सी वैल्यू की नॉन नेगेटिव आ रही है, देयरफॉर दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से गेम फाइंड कर दें। जो पहला मेथड है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर जीरो पुट कर लो, पुट करने तो बाद जो भी थोड़े को वैल्यू आ रही ने और लिख लो, उस तो थर्ड डेरीवेटिव फाइंड कर लो, जो थर्ड डेरीवेटिव उन्हें वैल्यू तो नॉन जीरो हो जाए दैन देयरफॉर दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हिट पहला देखो, आप एग्जाम्पल उ करिए जिन्हें अपने को डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो पुट करके वैल्यू फाइंड कर लो एक्स दिया, उस तो बाद असं की करते हैं डी क्यूब वाई पॉइंट डी एक्स क्यूब नॉन जीरो दैन इट इज़ कॉल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले वो वाले क्वेश्चन करिए फर्स्ट मैथड वाले। अनदर एग्जाम्पल देखो, डिटरमाइन ए एंड बी सो दैट द कर्व वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्केयर हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट माइनस वन टू। इसते आप की करना इनू फाइंड करना है। देखो किस वे ना किया हो, असी पहले वाई साढ़े को दिता है वाई इन्हें क्या डी वाई पॉइंट डी एक्स फाइंड कर लिया, डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्के फाइंड कर लिया कि आ गया साढ़े को सिक्स ए एक्स प्लस सिक्स बी, फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स क्यूब कि आ गया सिक्स ए आ गया। हूँ देखो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कर्व ते भी लाइक करता है, जे लाइक करता तो सबस्टिट्यूट कर दो, ए अपने को वैल्यू कर दी होगी वाई दूगी, ए अपने को वैल्यू एक्स दूगी, वो पुट कर दो कि आ जाऊगा माइनस टू टू इज इक्वल टू माइनस ए प्लस थ्री बी। एक साढ़े को इक्वेशन है नंबर वन कर लो, डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स के कर लो एट पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन ही है। नैक्सट देखो जी डी वाई पॉइंट ये तो साढ़े को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है ना माइनस वन से टू, तो असं किया सैकंड डेट पुट करता एक्स जगह से माइनस वन पुट करता वाई जगह से टू पुट करता, साढ़े को कि आ गया ए माइनस बी जीरो आ गया ए इज इक्वल टू बी। हूँ इन्होंने दोनों तो की करो ए बी की वैल्यू फाइंड कर लो, उरे की करोगे ए जगह तक पुट कर दो बी पुट कर दो तो कि आ जाएगा माइनस बी प्लस थ्री बी इज इक्वल टू, तो कि आ गया टू बी इज इक्वल टू टू आ गया, तो बी दी वैल्यू अपनी कि वन आ गई, ए दी वैल्यू कि वन आ गई, बी दी वैल्यू इज़ इक्वल ए बी दी वैल्यू फाइंड करनी। समझ आ गया। एग्जाम्पल थर्ड देखो, शो दैट एवरी पॉइंट एंड विच द साइन कर्व वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स बाय ए मीट एक्स एक्सिस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। देखो पहला असं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड किमें करा, यदा फर्स्ट एड फाइंड कर लो, सैकेंड एड फाइंड कर लो, इक्वल टू जीरो कर लो, ठीक है। प्लस ये एक चीज़ नवी तो है मीट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला कंसैप्ट यूज कर लेंगे। देखो अगर फर्स्ट एड फाइंड करता डी वाई पॉइंट डी एक्स कि आ गया सी बाय एक्स कॉस एक्स बाय ए, सैकेंड एड फाइंड कर लो डी वाई डी एक्स स्केयर माइनस सी ए स्केयर साइन एक्स बाय डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कि माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉस एक्स बाय ए, ठीक है जी। सी दे अपने को वैल्यू इमीट एक्स एक्स सी दैट मीनस वाई उत्थे कितना होगा जीरो होगा, तो असी किता इनू पुट कर लिया ते साइन एक्स बाय ए इज इक्वल टू जीरो दैट मीनस कि इहदा की मतलब होंदा दिस इज इक्वल टू जीरो कदों होंदा साइन एन पाई, जे साइन पाई की वैल्यू पाई साइन जीरो जीरो होंदा एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हो, जीरो तो लेके जीरो लोगे जीरो होंगे वन लोगे साइन पाई जीरो टू पाई जीरो सारा जीरो साइन एस आई की वो कैंसल हो गया, एक्स बाय इज इक्वल टू एन पाई आ गया, दे फोर एक्स इज इक्वल टू ए एन पाई वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर आई मतलब इंटीजर। हूँ देखो अभी सैकेंड एड किया सैकेंड एड पुट कर लिया इज इक्वल टू हम साढ़े को पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई ए एन पाई, ए पॉइंट चेक करना है डी स्के वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर अपना कितना सी माइनस सी स्के साइन एक्स बाय ए सी और वैल्यू पुट कर दो एक्स की, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे ए एन पाई तो कि आ गया साइन एन इजल टू जीरो आ गया। थर्ड एड फाइंड कर लो डी वाई पॉइंट डी क्यूब वो कि सी बाय ए क्यूब कॉस एन पाई, दे फोर दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए क्यूब कॉस एन पाई वैल्यू कितनी होती है और भी एक्स की वैल्यू पुट की हुई है कॉस एन पाई वैल्यू कितनी होती है माइनस वन की पावर वन, क्यों जे एन की वैल्यू वन लोगे कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, जे एन की वैल्यू टू लोगे तो कॉस टू पाई की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, एक बार वन हो एक बार टू हो, दे फोर इस दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दे फोर एवरी पॉइंट इन विच द गिवन कर्व मीट एक्स एक्स इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इस वे अस चेक करने ये वो वाली एग्जाम्पल से जिन्हों के असी फोर सैकेंड एड फाइन करना फिर थर्ड एड फाइन करना। नैक्सट लैक्चर आप वाले क्वेश्चन करा जिन्हों के असं की करना किसी होर वे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते।